अभी देखो भाई रील बन रहा है, तो आपको रील वाला फुटेज भी मैं दिखाई दूंगा, पर अभी हम लोग पूरा वाइब का मजा ले रहे हैं और ना कि रिकॉर्डिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत बाइकर पार हुए भाई, एकदम सर सर हो गया भाई। धीरे धीरे चलाए कि थोड़ा सा बस इतना ठीक है। अगर यार आप ध्यान से सुनोगे तो एक अलग सी रेसिंग या फिर एक ट्रक टाइप की आवाज़ आ रही है, बहुत अलग सी। तो एक्चुअली हमारे टायर्स आ रही, जब हमारे टायर हवा काट रहे हैं ना, तो एक आवाज़ आ रही है भाई, उससे जो फील आ रही थी, लग रहा था भाई कि रेसिंग वेसिंग कर रहे हैं अपन। स्वेटर पहनने दे मेरे को। चले फिर धीरे धीरे। अबे अपने ही टायर का आवाज आ रहा है, पता है वे? अपना टायर हवा काट रहा है ना, तो साला ट्रक जैसा आवाज आ रहा है। आ गए भाई, गारंटी भाई गारंटी। ओ माय गॉड भाई, ओ भाई 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 भाई। फाइनली, ओ वाह, ओ भाई समझ गया। फाइनली भाई पहुंच चुके हैं अपन। पता तो बहुत देर बैठे थे अपन, सांस लिए, उसके बाद आप लोग को कुछ बता रहे हैं। ये देखो सीन, देखो भाई यहाँ पर टाइम लैप्स निकालेंगे, क्या टाइम लैप्स आएगा? और हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा भाई कि पहुंच गए। जब लोग पहले बार आए थे ना, तो मैं रांची में पहले घूमने वाली जगह पतरातू ही आया था। तो भाई पतरातू साइकिल से आ जाना भाई बहुत बड़ा बात है। देखते हैं क्या करना है, अभी कुछ खाया जाए क्या? अभी थोड़ा एनर्जी टाइप आ जाए, जैसा देख लें, जाते जाते चना खा लेंगे, अभी छोटा मोटा खा लेंगे। मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की है, पर मैंने इन्जॉय बहुत ध्यान किया। इतना चिल्लाए ना हम लोग, जब ढलान आया था लास्ट वाला, उसका शायद मेरे पास होगा क्लिप, बीच में से ठोकने वाला था मैं, पर यस मैनेज हो गया। बाकी रास्ता देखो भाई, आतंक भाई। अब मेरे हाथ में कैमरा था, सिनेमैटिक्स चालू। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा कोना में भाई, बहुत आतंक लेवल की भीड़ है यार। बाहर आके मैं ब्लॉगिंग चालू कर रहा हूँ और एकदम क्या बोले, सब ब्लॉगर हैं यहाँ पे। हाँ सब ब्लॉगर, जितने अंकल लोग हैं सब फोन निकाल रिकॉर्ड कर, चना निकल रहा है तो चना रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब पतरातू वैली नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, उधर से ट्रक जा रहा है ट्रक का टायर रिकॉर्ड कर रहे हैं। भीड़ तो आतंक है। अभी अपन थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, अलग मतलब की, अरे भाई ऐसे क्यों बोल रहा है भाई, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ भाई मैं, कैसे देख रहा। सब अपन निकलने का सोच रहे हैं क्योंकि भाई बहुत भीड़ है, यहाँ पे कुछ भी फोटो वोटो अभी तक नहीं लिया, लिटरली एक भी फोटो नहीं लिया। और अभी देखते हैं, अपन सोच रहे हैं कि पीछे एक जगह था वहाँ पे बहुत मस्त फोटो आ रही थी और पीछे पहाड़ भी दिख रहा था, तो वहीं से लेने का सोचते हैं। तो अब निकलते हैं, बहुत लेट भी हो गया है, टाइम हो गया है अभी 10:05, ठीक है? तो अब चलते हैं और किधर फोटो खिंचाते हैं, थंबनेल वंबनेल लेते हैं थोड़ा। साइकिल देखो कहाँ लगा कर रखे थे, वो देखो वहाँ भीड़ है, अपन यहाँ खड़े हैं। तो अभी अपन उतर चुके हैं और मतलब चढ़ान था, हो रहा पतरा तू मेरा चढ़ान, और बहुत लोड है इसलिए अपन उतर गए हैं, और चढ़ान पार करेंगे फिर नॉर्मल चलाएंगे, और जब भी थोड़ा ज़्यादा चढ़ान आ जाएगा फिर उतर जाएंगे। सो अभी हम लोग का पहला ब्रेक है वहाँ से निकलने के बाद, और सीट का हाइट मैंने थोड़ा सा ऊँचा किया, याद करो यहाँ जहाँ से आप लोग को जंग दिख रहा होगा ना, इतना ऊपर कर दिया, क्योंकि जब हम लोग ढलान में जाते हैं ना, तो उस टाइम थोड़ा सा खड़ा होकर चलाना पड़ता है, मतलब चढ़ान में, तो मैं डायरेक्ट बैठे बैठे ऊपर हाइट चढ़ा दूंगा। तो ये थोड़ा सा साइकिलिस्ट वाला दिमाग वाला चीज़ है, साइकिलिस्ट हम लोग बोल सकते हैं अपने आप को। अब बस अब नहीं बोले तो कब बोले भाई, अब इससे ज़्यादा क्या चला रहे भाई।
सब सीट ऊपर करने के बाद देख सकते हो भाई बहुत ऊंचा हो गया है। और देखो चढ़ान बहुत आराम से पार हो रही है, देखो खड़ा भी नहीं होना पड़ रहा चढ़ान में, तो बहुत फायदेमंद हो गया। तो साइकिल को कभी भी ऊंचा सीट पे चढ़ाओ तो चढ़ान पे बहुत मदद आएगा। तो अभी थंबनेल लिया हमने, वो देखो क्या आपको थंबनेल दिखेगा कि नहीं वो तो मेरे को नहीं पता, फाइनल तो नहीं है पर मोस्ट प्रोबेबली दिख सकता है भाई। तभी सीन देख लो भाई, लेकिन अब निकलते हैं। फिर से चढ़ान आ चुकी है, हम लोग उतर चुके हैं, हाँ थोड़ा आगे और उसके बाद बैठ जाएंगे। हाँ तो अभी आप लोगों को मंदिर दिख रहा होगा कि बाहर हम लोग बैठे हैं भीख मांगने, एनर्जी प्राप्त करने हैं। भगवान जी हम लोग को सेफ घर पहुंचा दीजिएगा। GoPro की बैटरी बची है 25% बची है, बहुत है मतलब। उसके बाद मेरे पास फोन भी है 80% बैटरी, उसमें भी है। तो आप लोगों को क्लिप्स मिस नहीं होगी कुछ भी, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा ना। हेलो घाटी क्षेत्र समाप्त, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी रुको भाई, कहाँ भाग रहे, रांची तो 18 ही है दोस्तों, हार नहीं माननी है। अभी अपन पहले कुछ खा लेते हैं, हम लोग सोच रहे हैं उसके बाद कुछ करेंगे। तो यार व्लॉग एंडिंग करना था, सो यार बोल के मैं यार तंग आ गया, मतलब हर क्लिप मतलब जितनी भी कट के बाद क्लिप चालू होती है ना तो मेरा सबसे स्टार्टिंग होता है सो यार। तो अपन इसको बदलेंगे धीरे धीरे, पर अब ये हमारी लास्ट ट्रिप थी आयुष के साथ और साइकिलिंग वाली। अब देखो कभी बीच में आया तो अलग बात है, नहीं तो कॉलेज में कहां मौका मिलेगा। और मेरा भी अगले साल से कॉलेज हो जाएगा, तो अपन जितने मजे कर सकते कर रहे हैं। अभी थोड़े से लोकेशन और बचे, अगर जा पाए तो जाएंगे, नहीं तो मैं अकेले चले जाऊंगा भाई, क्योंकि अभी मेरे को भयानक शौक चढ़ चुका है साइकिलिंग का। तो अगर मन करेगा तो मैं अकेले ही चले जाऊंगा, अगर कोई नहीं जाएगा तो, पर देखते हैं जैसा होगा देखा जाएगा। तो यही ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो पसंद आया तो बस कुछ नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।